हैमस्टर कॉम्बैट। तो अब कमाने का टाइम आ चुका है। लास्ट चार महीने से हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट पर ओवर को इंक्रीज कर रहे हैं, कार्ड्स को बाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर कर रहे हैं। और आज फाइनली वो दिन आ चुका है जहां पे हमने जितनी भी मेहनत की हुई है उस मेहनत को काउंट किया जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या लेवल अचीव किया है, आपका प्रॉफिट पर आवर कितना है, आपकी अचीवमेंट्स कितनी है, आपके पास कीज कितनी है, बहुत सारी चीजों को कंसीडर किया जाएगा। और इन्हीं चीजों को कंसीडर करते हुए 26 सितंबर के दिन आपको एयरड्रॉप मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 25 सितंबर के दिन तक आप टास्क कर पाओगे। आज लास्ट डे है, कल भी टास्क तो आप कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे कल से जो चीजें आप करोगे दैट विल बी कंसीडर्ड इन द सीजन 2 ऑफ द एयरड्रॉप। और आज का दिन अगर आपने मिस कर दिया, अगर आप ये सोचते रह गए कि अरे अभी तो 26 तारीख को एयरड्रॉप मिलने वाला है ना, अभी तो मेरे पास 5-6 दिन का और टाइम बचा हुआ है, तो वहीं पे काफी सारे लोगों का गेम ओवर होने वाला है। काफी सारे लोग यहाँ पे गलतियां कर देंगे जिसकी वजह से उनका बड़ा एयरड्रॉप उनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी कोई भी मिस्टेक कर दे जिसकी वजह से उनके हाथ से बड़ा एयरड्रॉप निकल जाए। तो आज के वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पूरी गाइड शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज अब हमारे पास 12 घंटे से कम का टाइम बचा हुआ है और यही 12 घंटे हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है, बहुत ज्यादा कीमती है। बिकॉज अगर हम इन 12 घंटों को व्यर्थ कर देंगे तो यहाँ पे पूरा हैमस्टर कॉम्बैट में जितनी 4 महीने से हमने मेहनत की हुई है वो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी के अंदर से कोई भी ये गलती करे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आज के गिव अवे विनर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग अपने YouTube चैनल के ऊपर आ चुके हैं, सिंपली कल वाले वीडियो की लिंक को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रैंडम कमेंट पिकर के अंदर आके इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करके लोड डेटा और व्यू कमेंट्स, यहाँ पे हमें 10 लकी विनर्स को सिलेक्ट करना है जिनको टोन कॉइन गैस फीस का गिव अवे दिया जाएगा। सबसे पहले विनर को सिलेक्ट करते हैं, पिक अ रैंडम कमेंट, अपना एड्रेस दे दिए मिल जाएगा। सेकेंड कमेंट को पिक करते हैं, टोन दे दो मिल जाएगा। थर्ड कमेंट को पिक करते हैं, भाई जी मेरा डॉग्स का गया और हैमस्टर कॉम्बैट भी चला जाएगा। भाई क्यों चला जाएगा, अगर आज का दिन 12 घंटे अभी भी आपके पास है और अगर आप मेहनत कर लोगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। फोर्थ कमेंट को पिक कर लेते हैं, हेलो सर प्लीज टोन मिल जाएगा। फिफ्थ कमेंट को पिक कर लेते हैं, एड्रेस दे दिए मिल जाएगा। सिक्स कमेंट को पिक कर लेते हैं, हार्ट दियो हार्ट बैक टू यू आपको भी मिल जाएगा। सेवन्थ कमेंट को एड्रेस दे दिया मिल जाएगा। एट्थ कमेंट को पिक कर लेते सर प्लीज टोन मिल जाएगा। नाइन्थ कमेंट को पिक कर लेते भाई क्या चीटर इज बेड वाले को मिलेगा एयरड्रॉप या नहीं, बिल्कुल मिलेगा, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। और काफी सारे लोगों का चीटर इज बेड चला भी गया है जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छा काम किया, जिन लोगों ने यहाँ पे चीटिंग नहीं की। जैसे आपको पता होगा जेल के अंदर जो कैदी होते हैं वो अगर वहां पे अच्छी तरह से बिहेव करते हैं तो उनको जल्दी उनकी सजा खत्म हो जाती है। तो उसी हिसाब से हैमस्टर कॉम्बैट ने भी काफी लोगों की सजा जल्दी से खत्म कर दी और चीटिंग इज बैड वाला ऑप्शन ही हटा दिया, तो एक अच्छी चीज हो गई। और 3-4 कमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट यू थैंक यू सो मच मिल जाएगा, एड्रेस दे दिए मिल जाएगा। भाई को प्यार करने वाले लाइक करो, डेफिनेटली भाई लाइक करना भाई ने बोला है। और लास्ट कमेंट को पिक कर लेते गैस फीस आपको भी मिल जाएगी। जितने लोगों का नाम आज के लकी विनर्स की लिस्ट के अंदर सिलेक्ट हुआ है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना टोन का वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर दीजिए जिससे हमारी टीम की तरफ से आपके टोन वॉलेट के अंदर टोन कॉइन गैस फीस का गिव अवे सेंड कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों ये गिव अवे हम लोग हर रोज करते हैं तो इसमें एलिजिबल होने के लिए सिंपली आपको वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट के अंदर कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हो हमारे कॉन्टेंट के बारे में, जो भी आपको पसंद आता है उसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब कल वाले वीडियो के अंदर आप भी यहां पे टोन कॉइन गैस फीस के गिव अवे के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपका भी नाम यहां पे लकी विनर्स के अंदर सिलेक्ट हो सकता है। बाकी दोस्तों डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब विड्रॉवल प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके साथ शेयर करूंगा इन द नेक्स्ट 4-5 डेज जिससे आपको यहां पे कोई भी दिक्कत अपने कॉइंस को सेल करने में भी ना आए। तो इसलिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो दोस्तों हम लोग यहां पे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ चुके हैं, जैसे मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो चीटर एचके स्कोर बीटर, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द हैमस्टर कॉम्बैट एंटी चीटिंग स्ट्रेटजी
एंड सम ऑफ यू माइट गेट अ चीटिंग इज बैड अचीवमेंट टूडे। लेकिन एक और अच्छी चीज क्या हो गई, जैसे जेल के अंदर कैदी को रिहा कर दिया जाता है जल्दी, वैसे ही हेमस्टर कॉम्बैट ने भी चीटिंग इज बैड वाला ऑप्शन, बिकॉज मैंने जो स्टेप्स आपको बताए उन स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया होगा तो यहाँ पे आपका भी चीटिंग इज बैड वाला ऑप्शन निकल गया होगा। दिस इज योर रिमाइंडर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग एवरीथिंग राइट। लाइफ में भी सब राइट करो और हेमस्टर कॉम्बैट के अंदर भी सब राइट चीजें करो, वैसा यहाँ पे बोला जा रहा है। वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द हार्ड वर्किंग प्लेयर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स एंड गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू गेट अ फेयर शेयर ऑफ द एयर ड्रॉप। मतलब जो यहाँ पे ज्यादा मेहनत करता है ना उसको ज्यादा एयर ड्रॉप हेमस्टर कॉम्बैट फेयर मीन से देना चाहता है, वैसा यहाँ पे मैसेज के अंदर बताया गया। कीप इन माइंड दैट द एयर ड्रॉप इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रेस योर सेल्फ फॉर मेजर अपडेट्स इन सीजन 2। मतलब हेमस्टर कॉम्बैट यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 26 तारीख को आपको हेमस्टर कॉम्बैट से जो एयरड्रॉप मिल गया, बिकॉज दुनिया के सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनांस और यहाँ पे मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस असिस्ट कर रही है हेमस्टर कॉम्बैट को, तो यहाँ पे क्या होगा कि हेमस्टर कॉम्बैट और अपना काम चालू रखेगा। हेमस्टर कॉम्बैट वेब 3 के अंदर बहुत बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, तो एयरड्रॉप का सीजन 2 भी आने वाला है, मतलब वो 26 तारीख के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कल से ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग गेम खेलना छोड़ देंगे, हम लोग साइफर कोड को एंटर करना छोड़ देंगे, हम लोग कॉम्बो कार्ड्स को एंटर करना छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज पहला एयरड्रॉप तो चलो आज कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं कि भाई हमें पहला एयरड्रॉप लेके मार्केट से चले जाना है। यू ऑल्सो वांट द सेकंड एयरड्रॉप, हर किसी को चाहिए होता है, हर कोई अपने लाइफ के अंदर कमाना चाहता है, तो यहां पे वही चीज है। लेट्स बिल्ड द बिगेस्ट वेब 3 गेमिंग प्लेटफॉर्म टुगेदर। मतलब हेमस्टर कॉम्बैट क्या बोल रहा है, अगर कम्युनिटी का साथ मिला तो हेमस्टर कॉम्बैट यहां पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म बना सकता है, और कम्युनिटी का साथ मिलने के लिए हेमस्टर कॉम्बैट को कम्युनिटी को कुछ देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एयरड्रॉप यहां पे आपको हेमस्टर कॉम्बैट की तरफ से देखने मिलेगा। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों को यहां पे चीटिंग इज बैड हटा भी दिया, जिससे कम्युनिटी को कोई दिक्कत ना आए। अब यहां पे साथ में देख सकते हो एक और अपडेट आ रही है, स्माइल फॉर द कैमरा। इसका मतलब आज इंडियन टाइम, आज का दिन ध्यान रखना, रात को 11:30 बजे एज पर द इंडियन टाइम स्नैपशॉट लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कैलकुलेट किया जाएगा कि आज तक आपने कितनी एक्टिविटीज की है, आपने अपना प्रॉफिट पर ओवर कितना बढ़ाया है, सारे क्राइटेरिया यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखिए, सीजन 1 ऑफ द गेम इज कमिंग टू एन एंड एंड that's why we are taking a snapshot on September 20, जो आज का दिन है, at 6 PM UTC Indian time के according, रात को 11:30 बजे। तो यहाँ पे अगर हम game के अंदर आ जाते हैं, साथ में यहाँ पे आप बाकी चीजें देख सकते हो। We would like to remind you that changing your withdrawal method, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे Binance के ऊपर withdrawal करो, because यहाँ पे बाकी क्या होगा, अगर कोई और exchange में जाओगे ना, वहाँ पे server crash हो जाएंगे, आप अपने coins को withdraw नहीं कर पाओगे, on chain जाओगे तो Tron मतलब पूरा ecosystem ही हैंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप Binance तो थोड़ा सा आप सेफ हो जाओगे, बिकॉज कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो Binance के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँ, वहाँ पे जाके आप Binance पे अकाउंट क्रिएट कर लो, और CoinDCX के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज अगर आप अपने कॉइन्स को सेल करके अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेके जाना चाहते हो, CoinDCX भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा, जहाँ पे Binance एज वेल एज CoinDCX दोनों पे आपको रजिस्टर करना है, एज वेल एज अपना KYC कंप्लीट करके रखना है, बिकॉज आजकल KYC के अंदर भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 5 दिन का टाइम अभी हमारे पास बचा हुआ है, तो वो भी चीज, और कल का दिन मतलब 21 सितंबर लास्ट डे है जब आप ये चीज कर पाओगे, तो डेफिनेटली Binance को सिलेक्ट कर लेना। साथ में वो भी मैं आपको बता देता हूं, अगर हेमस्टर कॉम्बैट की ऐप के अंदर हम आ जाते हैं, सेव द डेट फॉर हेमस्टर कॉम्बैट लिस्टिंग September 26, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेमस्टर कॉम्बैट की ऐप के अंदर अगर आप एयरड्रॉप सेक्शन में जाओगे तो 21 तारीख का टाइम हमारे पास बचा हुआ है, जहाँ पे आपको यहाँ पे Binance एक्सचेंज को सिलेक्ट कर लेना है। बाकी Binance के अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि कैसे वहां से एड्रेस, डिपोजिट एड्रेस को कॉपी करना है, मेमो को कॉपी करना है और यहाँ पे आके उसको पेस्ट करना है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो एयरड्रॉप के लिए कौन सी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है, तो अगर आप पॉइंट्स के अंदर जाओगे तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ
यहाँ पे जो बन जाती है विच इज अवर पैसिव इनकम। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट पर आवर। जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट पर आवर होगा उतना ही ज्यादा एयरड्रॉप आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम ये ट्राई करो कि आपने जितने कॉइन्स को कलेक्ट किया हुआ है आज रात 11:30 बजे तक उन सब कॉइन्स से अपने कार्स को बाय कर लो जो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पर आवर आपको बढ़ा के दे रहे। आप अपने प्रॉफिट पर आवर को अगर मैक्सिमाइज कर लोगे तो यहाँ पे एयरड्रॉप ज्यादा मतलब बड़ा एयरड्रॉप मिलने के चांसेस, अगर आप अपने कॉइन्स को ही होल्ड करते रह गए ना तो यहाँ पे कोई इतना बेनिफिट देखने नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ऑन टास्क, वो तो हम कर ही रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रेंड्स एटलीस्ट एक काम करो, आज के दिन के लिए अपने घर के अंदर 4-5 जो फोन हो ना उससे भी यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर रजिस्टर कर लो, इससे उसके बारे में भी कोई दिक्कत ना आए कि आपने कुछ फ्रेंड्स को एटलीस्ट 5-10 फ्रेंड्स को तो रजिस्टर किया। उसके बाद अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। टेलीग्राम हैमस्टर कॉम्बैट का सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया, अभी भी कर सकते हो। एंड कीज, नंबर ऑफ कीज आपने कितनी कलेक्ट की है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी। साथ में अगर हम यहाँ पे अचीवमेंट्स के अंदर आ जाते हैं तो अचीवमेंट्स को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पे देखिए अपग्रेड कार्ड्स के अंदर आप यहाँ पे 50 कार्ड्स मैक्सिमम अपग्रेड हो सकते हैं, तो वो पॉसिबल हो पाता है तो कर लेना। उसके बाद अपग्रेड कार्ड्स टू लेवल 15 मोस्टली सब लोगों ने कर लिया होगा। अपग्रेड कार्ड्स टू लेवल 25 ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। KYC करके एक कार्ड है उसको अपग्रेड कर लेना, जिससे क्या होगा आप टॉप 0.54% के अंदर आ जाओगे, जिससे आपके यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको यहाँ पे अच्छा एयरड्रॉप मिले, बिकॉज अचीवमेंट्स के अंदर आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो कलेक्ट पॉइंट्स, ये सारी चीजें, इन्वाइट फ्रेंड्स, अनलॉक स्किन्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। साथ में आप देख सकते हो मेरा जो चीटिंग इज बैड वाला, मतलब मेरा तो कलरफुल हुआ भी नहीं था, मैं तो यहाँ पे चीटिंग के अंदर आया भी नहीं था, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो चीटिंग इज बैड वाला कार्ड हट ही चुका है और काफी लोगों का ये हुआ होगा। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल जो यहाँ पे बच गया। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो अगर एयरड्रॉप के अंदर आप जाओगे, अगर आप पॉइंट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक एक यहाँ पे जो पैसिव इनकम मतलब प्रॉफिट पर आवर जो है उसके नीचे TBA अनाउंस लिखा हुआ है, वहां पे आपको अपने पॉइंट्स देखने मिल जाएंगे। उसके बाद ऑन टास्क में भी पॉइंट्स आएंगे, फ्रेंड्स के अंदर, अचीवमेंट्स के अंदर, टेलीग्राम, हर जगह पे आपको पॉइंट्स देखने मिल जाएंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ टोकन्स मिले और उसका जो टोटल होगा ना, जहां पे अगर आपने चीटिंग की होगी, अगर आपका चीटिंग इज बैड है, अगर फॉर एग्जांपल आपने की को बॉट से कलेक्ट किया तो क्या होगा, यहां पे की वाला सेक्शन आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे सेक्शन तो आपके रहेंगे, बाकी पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे, वो तो सब में टोटल में एड होंगे। तो यहां पे आपको एयरड्रॉप एलोकेशन पॉइंट जो ऊपर ग्रीन कलर का देखने मिल रहा है उसके नीचे TBA टू बी अनाउंस लिखा हुआ है, वहां पे टोटल होगा और उतने टोकन्स आपको मिलेंगे। और जैसे प्राइस के बारे में पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे ₹1 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन ₹1 के प्राइस के ऊपर लॉन्च होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग सेल करेंगे जिसकी वजह से प्राइस के अंदर डंप भी देखने मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट मेकर्स, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस प्राइस को कंट्रोल करने की भी ट्राई करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, लॉन्च के बाद हमें अपने कॉइन्स को सेल करना है। उसके बाद जब प्राइस डंप होता है उसके बाद की स्ट्रेटेजी, हम लोग बड़ा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आने वाली है। तो इस स्ट्रेटेजी को भी बिल्कुल भी मिस, अगर आपने इन स्ट्रेटेजीज को मिस कर दिया तो यहाँ पे और भी, अगर आपको $500 का एयरड्रॉप मिलता है ना तो उसको हम लोग $2,2500 करने की ट्राई करेंगे, वो मेरी पूरी मेहनत रहेगी। मैं यहाँ पे इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी टीम भी रिसर्च कर रही है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जल्द आपके साथ शेयर की जाएगी। इसलिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाद में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।